अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आज हम बना रहे हैं फ़िश करी और फ़िश फ्राई, और ये रेसिपी बना रही है मेरी अम्मी। ये फ़िश जो है वो है पॉम्पलेट फ़िश, दोनों भी हम इसी से बना रहे हैं, पॉम्पलेट फ़िश से। करी और जो फ्राई है वो दोनों पॉम्पलेट फ़िश का ही है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रोसीजर। और ये अभी फ़िलहाल पतीला गरम कर दिया है और इसमें हम तेल डालेंगे। और जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये हमने डाला है तेल, तेल आपके हिसाब से आप ले सकते हो, आपको कितना चाहिए उस हिसाब से। और ये वाली जो फ़िश है सच में बहुत हेल्दी है। ओके, अब ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो है रेड कलर का, ये है फ़िश फ्राई मसाला, धनिया पाउडर है, और ये है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये कोकोनट का मिल्क है, और ये कोथमीर मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है। और ये जो कोकोनट मिल्क है वो हम लोग ने बिल्कुल फ्रेश हम लोगों ने निकाला था। और ये जो है वो चावल का आटा है। और ये अब हम लोग लेंगे कड़ी पत्ता, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो टमाटर और कोकम बहुत ज़रूरी है करी के लिए। और ये अब हम, ये देखिए, ये टमाटर और कोकम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे करी के लिए। और अब हम पीसेस जो है वो अलग अलग करेंगे। जो पतीले में जो पीसेस रखे हैं उसको हम सालन बनाएंगे, उसका हम करी बनाएंगे। और जो अब प्लेट में जो पीसेस रखे हैं उसको हम फ्राई करेंगे। और हाँ, ये वाला फ्राई करना है। अब जो है वो हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, और आई होप शायद लग रहा है कि और तेल चाहिए इसमें, तो हम और थोड़ा तेल डालेंगे। अब आपको डालना है कोथमीर मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। अब आपको डालना है ओके, अब आपको डालना है हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर अप्रॉक्सीमेट 3 टीस्पून है। अब ये है लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। अब बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको इसमें चम्मच चलाना है और पूरा जो मसाला है उसको एक करना है, और इसको थोड़ा फ्राई होने देना है। और इसके बाद हमको डालना है जो पीसेस, जो पॉम्पलेट के फ़िश के जो पीसेस हैं वो हमको इसमें डालना है, और बिल्कुल डेलिकेटली हमको इसमें चम्मच चलाना है। और एक बात याद रखिए, ये फ़िश है, इसको हमको बिल्कुल बिल्कुल आराम से इसमें हमको इसको इसमें चम्मच चलाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगी, बहुत डेलिकेट होती है फ़िशेस। और ये जो पॉम्पलेट फ़िश है वो कुछ ज़्यादा ही डेलिकेट होती है, तो हमको इसमें बिल्कुल स्लोली स्लोली जो भी है डेलिकेटली और अच्छे से इसको हैंडल करना है फ़िश को। अब हमने डाला है नमक, नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और एक और बात याद रखना कि ये सॉल्ट फ़िश है, सी फ़िश है, और इसमें हमको नमक ऑलरेडी ये रहता है फ़िश में, तो आपको देख के नमक यूज़ करना है। और अब हमने डाला है पानी, और 1 ग्लास पानी डाला है हमने, और इसको वैसे ही रखते हैं। और इसको एक बॉईल आने देने के बाद, थोड़ा सा बॉईल आता है या उसी उससे पहले, हम लोग टमाटर और कोकम हमको डालना है, कड़ी पत्ता डालना है।
अब हमको लेना है जो कोकोनट मिल्क हम लोगों ने बनाया था वो अब हमको इसमें डालना है, और इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाना है या नहीं भी चलाए तो नॉट एन इश्यू। इसमें अब आपको डालना है जो चावल का आटा है, ये जो चावल का आटा है मैं आपको बता दूं ये स्टार्च के हिसाब से काम करता है। जैसे अगर हम कॉर्नफ्लोर आटा अगर हम सूप में डालते हैं तो वो कैसे लाइक थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो चावल का आटा है वो थोड़ा सा जो है करी को गाढ़ा करता है, और इसके साथ साथ ही एक अलग टेस्ट इसमें आता है। और हाँ, अब इसको चम्मच अब हमको इसमें चलाना है अच्छे से, और थोड़ा सा नमक आप देख लो आपको अगर लगता है बाद में बीच में टेस्ट करके। अभी हम डाल रहे चावल का आटा, तो ये जो फिश है इसके हिसाब से हम लोगों ने 2 या 3 टीस्पून हम लोगों ने आटा डाला है। और एक और मैं बात बता दूँ, ये 3 मछलियाँ थी जो हमने ली थी, क्वांटिटी के हिसाब से 3 थी, और उसका हम लोगों ने हाफ हाफ कर दिया है, मतलब हाफ भी नहीं, सिर्फ 3 पीसेस हम लोगों ने फ्राई के लिए रखे थे और बाकी सारों का हमने करी बनाया है। और ये ऑलमोस्ट हमारा जो सालन है वो जो करी है वो रेडी हो चुकी है, और बस इसको और थोड़ा पकने देना है। और आप देखना है अगर आपको और थोड़ा सा अगर आपको इसको गाढ़ा करना है तो आप और थोड़ा जो चावल का आटा है आप इसमें मिक्स कर सकते हो। और एक और बात का ध्यान रखिए, अगर चावल का आटा इसमें ज़्यादा भी हो जाता है तो ये बिल्कुल बेस्वाद हो जाती है, इसमें जो है टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। मतलब टेस्ट का सवाल नहीं है, टेस्ट आ जाता है लेकिन जो करी का जो टेक्सचर होता है वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द राइस फ्लावर। और बस आप देख रहे हो इसको कितना डेलिकेटली हैंडल कर रहे हैं, हाँ कितने डेलिकेटली इसमें चम्मच हम चला रहे हैं, बस उसी तरीके से आपको चलाना है। और आप देख सकते हो कि हमारी करी जो पहले के मुकाबले अब काफ़ी थिक हो चुकी है। ओके, अब हम ले रहे हैं फ्राई पीसेस, इस पे हम डाल रहे हैं नमक, हल्दी हल्दी और जो है रेड चिली पाउडर, और जो लेफ्ट ओवर जो हमारा ग्रीन चिली का जो पेस्ट था वो, और जो हमारा जो फ्राई का मसाला है वो, फिश फ्राई का एक अलग मसाला आता है तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। और ये जो ग्रीन चिली ग्रीन पेस्ट जो है हम लोगों ने बनाया था, कोतमीर मिर्च और लहसुन का, वो भी हमने इसमें डाल दिया है, ऐड किया है। और बस अब इसको हमको अच्छी तरीके से, हमको इतना अच्छी तरीके से उसको ये मतलब उसको मिक्स करना है, उसको मसाला पूरा मतलब लगा देना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल का आटा, क्योंकि अगर ये चावल का आटा हम डाल रहे हैं तो ये मसाला जो है वो बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और जब हम तेल में डालेंगे तो वो जो फिश है उससे अलग नहीं होगा। ये एक कोटिंग होती है, कोटिंग हमने कर दी है उसको। ठीक है, अभी हम मसाला हमारा लग चुका है, अब हम फ्राई करेंगे।
सर हमारी रेसिपी जो है वो बन गई है फ़िश फ्राई और फ़िश करी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह खैर।